आज दिनांक 25/10/2021 को वाल्मीकि पार्क दौलतबाग मुरादाबाद में एक सभा हुई जिसमें आदि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने आगरा प्रकरण पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि वाल्मीकि लोगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, थानों में इनकी नहीं सुनी जाती और थानों से भगा दिया जाता है। आदि धर्म समाज मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि आगरा में अरुण वाल्मीकि परिवार वालों को 50 लाख रुपये व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग करता है। दोषियों पर कानूनी कार्यवाही करके अरुण के परिवार को न्याय मिल सके। पार्क में कैंडल जलाकर अरुण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा कैंडल मार्च वाल्मीकि बस्ती दौलतबाग से निकाला, जिसमें कार्यकर्ता वीर संजय चंदेल, वीर चिंटू, वीर संजीव, लखन, अरुण, अजय, सुमित चंदेल, अशोक, सोनी, दीपक, सत्यम राही, दीपक वाल्मीकि, सत्यपाल वाल्मीकि, आनंद वाल्मीकि, हरनंदन प्रसाद, अनिल लश्करी, कपिल लाला, संजय चंदेल आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ दलित एकता मंच की समस्त टीम मेरे पास उपस्थित है। बड़े दुख के साथ हमें इस प्रदेश सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, कानून विरोधी सरकार है, देशद्रोही सरकार है और संवैधानिक विरोधी सरकार है। दलितों का उत्पीड़न चरम पर है, देश में न्याय व्यवस्था का बिल्कुल सफाया हो चुका है। एक ही दृष्टि से सरकार काम कर रही है। अरुण वाल्मीकि को एक मामूली सी पूछताछ के बहाने बुलाया गया थाने में, उसका उत्पीड़न किया गया और यदि दोषी होना ना होने की बात कानून का काम अदालत करती है या पुलिस को, केवल पूछताछ एक मानवीय आधार पर किया जाना कानूनी व्यवस्था है। उनको आज इस सरकार के संरक्षण में पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और दलितों का उत्पीड़न चरम पर है, दलितों का उत्पीड़न खुलेआम हो रहा है और वो अरुण को एक दलित उत्पीड़न की ही एक श्रेणी में, एक कड़ी में पीट पीट करके थाने में ही मार दिया गया, जिसकी मौत थाने में ही पुलिस की पीटने से हो चुकी थी। हम प्रदेश की सरकार को और इस संवैधानिक विचारधारा की सरकार को और इस हिंदूवादी विचारधारा की सरकार को ये चैलेंज करते हैं कि दलित उत्पीड़न यदि बंद नहीं किया तो आज मुरादाबाद नहीं पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। हम वो आंदोलन करेंगे कि सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकार अपने बुरी नीयत से और बुरी नीति से बाज आए, नहीं तो दलित उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम खुलेआम ये ऐलान करते हैं कि यदि अरुण वाल्मीकि के परिवार को सुरक्षा संरक्षण नहीं दिया गया, यदि अरुण वाल्मीकि के परिवार को यदि एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई, यदि अरुण वाल्मीकि के परिवार को यदि मुआवजा 50 लाख नहीं दिया गया, यदि दोहरी नीति से मुआवजे में भी मृत्यु पर सौदा यदि सरकार करेगी तो ये दलित उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और ये वाल्मीकि समाज और ये दलित समाज ये सारा सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगा। जिंदाबाद, योगी मोदी होश में। क्या है मामला? मामला यह है, हमारे एक वाल्मीकि भाई आगरा के अंदर पुलिस ने जो है उसे कुचल कुचल के मारा गया है, बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया है। चोरी का इल्ज़ाम किसी और का था, हमारे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति पे जो इल्ज़ाम लगाया वो गलत लगाया, उसकी निंदा करता पूरा वाल्मीकि समाज। हमारे वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए और जो अरुण के दोषी हैं उन्हें अब जो है सजा होनी चाहिए फांसी की, जो वहाँ का SSP उसको भी और जो पुलिस वालों ने दुर्घटना करी है उनको भी, और हमारे समाज के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो मुआवजा उसे तगड़ा मुआवजा दिया जाए, जिससे कि बाहर के दूसरे के लोग जो मरते हैं समाज के उन लोगों को ज़्यादा 5-5 लाख रुपये दिया जाता है। हमारे एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति मरता है उसे 10-10-5-5 लाख रुपये दिए जाते हैं। हमारे इस सरकार से मांग है और इस सरकार को जो है वाल्मीकि समाज को समाज के लिए सरकार जो हमारे नासूर है और इस समाज को हम बहिष्कार करते हैं सरकार का। इस सरकार को हम जो वोट नहीं देंगे ना बहने देंगे इस सरकार को। हम अब क्या मांग है? अब हमारी मांग है अरुण वाल्मीकि को न्याय मिलना चाहिए और 50 लाख को से मुआवजा दिलाया जाए सरकार, जिससे एक नौकरी दिलाया जाए उस व्यक्ति को।